I came especially because when I was told that यहाँ आने के लिए मुझे मौका मिल गया था क्योंकि funeral नहीं आप जा पाई तो मैंने कहा कि ये मौका तो ज़रूर miss नहीं करना चाहिए और उनको इज्जत और उनके बारे में दो शब्द बोलने के लिए miss नहीं करना चाहिए. मैं मेरी खुशनसीबी थी कि उनके साथ भी मैंने एक ड्यूएट गाई थी बब्बी लहरी के साथ बिंगो बिंगो बिंगो. उनका उनका खास पॉप स्टाइल नहीं था लेकिन मुन्ना भाई ने इतना ज़बरदस्त तरीके से गाए थे वो गाना बिंगो 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 हमारे साथ और विजय बैलरी के साथ. सो आई नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट जहाँ पे स्टूडियो में हम लोग आ रहे थे और कह रहे थे मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के गाने हैं. इज़ यूज टू सिंगिंग वेरी नाइस टेक्निकल गायकी वाले गाने और ये जो है थोड़ा सा पॉप स्टाइल के लेकिन बहुत ज़बरदस्त गाने हैं और ये एकदम हिट नंबर नहीं है लेकिन आप ज़रूर सुनिएगा कभी उनके स्टाइल का वैरायटी आप देख लीजिए किस तरह के मतलब आर्टिस्ट हैं. सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट. बट सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुनिया में लोग कहते हैं कि रहते हैं साथ में फिल्म इंडस्ट्री में लोग रहते हैं साथ में बड़े हो जाते हैं बहुत पैसे वाले हो जाते हैं बहुत ये हो जाते हैं बहुत नाम वाले हो जाते हैं और जान नहीं पाते कि इंसान कैसे सब अजनबी है. लेकिन मुन्ना ऐसे हैं कि एक झड़क में एक ही गाना मैंने गाया था उनके साथ लेकिन मुझे मालूम पड़ गया था कि ये इंसान कैसा एक ही एक्सपीरियंस में. और मेरा हमेशा उसी समय का इज्जत अभी तक है और हमेशा रहेगा. और मैं चाहती हूँ कि इस वजह से हम आए हैं कहने के लिए कि आदमी और गायक जो है और गायिका वो भी है इंडस्ट्री में वो बड़े नहीं होते हैं नाम से दिल से और गायकी से और उनकी जो और आसे और व्यवहार से वो सबसे महान चीज़ है और मैं उसी को इज्जत करती हूँ और इसलिए हम आए थे. और आपको मैं बहुत तहे दिल से शेयर और ब्रीफ और इनके गानों की बदौलत मतलब कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है. वो ऐसा गाना है कि मैं क्या बताऊँ प्लीज इतनी शक्ति इतनी शक्ति मुझे दाता मन का विश्वास कमजोर है. जब कोई भी गाना बन रहा होता है कोई भी शॉट लिया जा रहा है तो ये सोच के लिया जा रहा था कि ये सुपर लेकिन उसके फिर डेस्टिनी का कुछ पता नहीं होता क्या होगा क्या हमें भी नहीं पता था किसका क्या. बस ये ऊपर वाले ने कुछ किसको इज्जत देनी थी या उसकी मार्फत मुझे इज्जत देनी थी बारिश के लिए. मैं थोड़ा सा मुन्ना भाई की बात में इस तरह कि बहुत ज़्यादा काम हमने नहीं किया मेरे कुछ गाने उन्होंने गाए लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि रफ़ी साहब की बाकी गाने के अलावा बाकी आदतें जो है ना वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनमें जितने वो आजिज थे जितने कोऑपरेटिव थे या अगर पैसा है तो ठीक है नहीं है तो ठीक है किसी भी ढंग से कभी भी मतलब मेरा भी जो काम हुआ है तो इस तरह से हुआ कि भाई ये गाना गाना है आज ही गाना ये फलानी जगह अब रिहर्सल करनी है ठीक करनी है तो इस तरह का तो उसका नेचर जो है चाहे वो ऊपर स्टार बन गया या जो भी बन गया वो रहता वैसे ही. तो रफ़ी साहब भी बिल्कुल ऐसे थे. मैंने उनको नज़दीक से देखा है रफ़ी साहब को. उनको कई लोग इस तरह बना के चले जाते थे कि गाना याद करवाया फिर बोले रफ़ी साहब पैसे नहीं रिकॉर्डिंग तो मुश्किल कितने लगेंगे
तो वो बोलते देखने लगेंगे अच्छा ठीक है अंदर जाके देखे आगे बोलते जहीर को मत बताना कि उनका साला भी था और तो इस तरह से वो रफी साहब थे। और मैं जब इनको देखता था तो मुझे लगता था कि बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम से वो चल, बस मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि वो जहाँ भी है खुदा उनको जन्नत बोलो बोलो गाना गाना। सर एक गाने का थोड़ा मुख मैं उनके बारे में कुछ कहने लायक हूँ नहीं, बहुत छोटा उनके बारे में कुछ कहने लायक, क्योंकि इतने कमाल के वो आर्टिस्ट थे, मैं उनको दिल से बहुत 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 ही पसंद करता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से उनका इंतकाल हुआ है तब से लेकर तकरीबन एवरी डे मैं उनके डेली लूप पे गाने सुन रहा हूँ, और मतलब ऐसे ऐसे गाने मैं खोज के निकाल रहा हूँ कि जो क्या होता है कि हम लोगों की एक फितरत होती है इंसानों की कि जब जो इंसान मौजूद रहता है उसकी कदर नहीं होती है, उसके जाने के बाद में फिर उसकी कदर हम पूछते रहते हैं कि यार वो चले गए। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं कंटिन्यूस उनके गाने सुन रहा हूँ और उनको दिल से याद कर रहा हूँ। इनफैक्ट जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन घर पे कोई मौजूद नहीं था, ये बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं रात को 10 बजे घर पे चला गया और मुझे वॉचमैन ने कहा कि कोई नहीं है घर पे, सब नानावटी हॉस्पिटल में है। अगले दिन उनका उनको मशहूर करना था, अगले दिन उनका जो तो मैं किसी काम में मसरूफ था, मैं इंडियन आइडल का कुछ शूट कर रहा था, और मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि ना मैं उस दिन ये सोच रहा था कि काश के आज ये शूटिंग ना होता और मैं वहाँ पे मौजूद होता। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई एक ऐसा मौका आए कि जब मैं उनके परिवार के साथ में, मैं कभी मिला नहीं हूँ भाई को और बहन को हमारी, लेकिन उनसे मिलने का मौका मिले और मुझे हमारे सुधाकर जी और उनका कॉल आया तो मैं मिला साख्ता, मैंने कहा कि मैंने कहा सर मुझे बताइए मैं मिलना चाहता हूँ सबको, तो मैं आ गया यहाँ पे। सबसे ख़ास बात आपको अजीज भाई की ये मुझे बताता हूँ मैं आपको, मैंने ज़िंदगी में अगर लाइव रिकॉर्डिंग पहली बार देखी थी तो वो मोहम्मद अजीज़ साहब की देखी, ये बिल्कुल सच्ची बात है। वो फिल्म थी सिंदूर और एलपी की रिकॉर्डिंग चल रही थी महबूब स्टूडियो में, और मैं छोटा था और मैं मुझे मिलवाने के लिए लेके गए थे कोई, तो अजीज़ भाई से मैं उस वक्त मिला था, और जब भी वो मुझे मिलते थे, बहुत मुख्तसर मुलाकातें हुई उनसे, लेकिन जब भी वो मुझे मिलते थे सिर्फ एक ही बात बोलते, अरे मेरा सुरीला बेटा आ गया, ये बात बोलते थे। अभी हम हाल ही में कुछ एक आध डेढ़ साल पहले शम्भू खानंद में एक साथ में हमने कॉन्सर्ट किया था, और उसमें जो मुलाकात हुई हमारी, ऐसे ऐसे गुड़ की उन्होंने बातें बताई, मैं उनको एक फादर के तौर पे उनको देखता था, क्योंकि जिस उम्र में उनका इंतकाल हुआ है उसी उम्र में मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ पिछले साल, तो मेरे लिए तो वो एक बाप का दर्जा रखते थे, और उनकी गायकी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, सीख रहा हूँ उनकी आवाज़ में। और उनकी आवाज़ के बारे में क्या कहा जाए, उनकी आवाज़ जो थी वो सीधा यहाँ टच हुई, यहाँ दिल को लगती, बस हम यही दुआ करेंगे कि खदील अजीज़ हम सब के अजीज़ साहब आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत अल फिरदौस में आलम मकाम नसीब फरमाए, आमीन, और उनके जितने भी अजीज़ व अक़ारिब हैं उनको सबको सुकून बख्शे और सब्र बख्शे, प्यार करते हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं सबके बिहाफ में ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे भी कन्फ्यूजन था, मुझे जिस दिन मैं गया घर पे आके तो मुझे ये बताया गया कि वो कलकत्ता लेकर जा रहे हैं, अच्छा ये मैसेज भी सर्कुलेट नहीं हो पाया, सही कह रहे हैं, ये थोड़ा सा पता नहीं है हम सबकी कुछ कमी रही है। मेरे पास भी कई ऐसे फोन आए थे तो मैं कहा मैं नहीं, तो भी पता नहीं उनके उनके जनाजे में इतना क्राउड होना चाहिए था बेशक जितना रफी साहब के उसमें था। अभी भी बहुत सारे कॉल्स और टेक्स्ट और बहुत लोग अभी भी आ रहे हैं घर पे,
नहीं बेटा वो तो देखिए ये तो सुधाकर जी को और इनको एसोसिएशन को अरविंद जी को हम थैंक्स कहते हैं कि इस बहाने हम लोग सब जुड़े साथ जुड़े आए हैं आपको मिले आप यकीन मानिए वो फ्लाइट ले रहे हैं हमेशा हमारे बीच में और आपसे ये कहना जैसे भाई ने कहा हमने कहा आप कभी ये मत सोचना कि भाईजान नहीं है हम सब उनकी रूहें हैं एक तरीके से आप ये समझिए जब हम देखो तो भाईजान को ही देखना हम धोने के बाद में बोलूँगा ना बाकियों को बोलने को ना यार यार किशन मैं भी कर मैं शर्म कर लो भाई हाँ भाई जरा बोलने दोगे मुझे सुनिए प्लीज मैं एक ऑर्केस्ट्रा किया लेकिन ना उस समय भाई जान गाते थे तो सनी सैन ने कहा कि उस जमाने में सनी सैन जी इंडस्ट्री में काफ़ी बजाते थे तो बड़ा एक नया लड़का है यार मोहम्मद अजीज करके तो चाचा उसको भी चांस देना मैं बोला कि मैं गाने के लिए तैयार हूँ कहाँ बुला रहा है मैं बोला जब मैं गाना बंद करूँगा तो अच्छा मुझे ये भी डर के कहीं ये कहा गया फिर मुझे कोई नहीं सुनेगा हुआ भी यही मैं एक दो गाने गा के हट गया फिर बड़े भाई साहब से उन्होंने बोला तेरा फोन हो गया बच्चों को सुनते हैं कैसा गाता है तो आप यकीन मानिए उस शो की जान से भाई जान बन गए वहाँ से हमारे तालुबात बने अस्सन अस्सी से एक बहुत बड़ा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ आपको एक फिल्म जो मेरे जिंदगी की पहली फिल्म सुरमा भोपाली उसका एक टाइटल सॉन्ग था मैं हूँ सुरमा भोपाली तो किशोर राव से जिंदा थे तो जगदीप ने कहा यार दादा से गाना गवाते हैं जाहिर सी बात है कि मेरी पहली फिल्म तो मैं तो कहा था मैं बोला हाँ जरूर गवाते हैं तो हम गए किशोर राव से मिले तो वो हम लोगों से मुलाकात करने की फिर वो अपने गांव चले जगदीप साहब को गाना पिक्चराइज कर रहा पूछा भाई कौन गा सकता है मैं तो नया नया ही था पर भाईजान की स्टाइल जो थी जब उनको स्टेज पर मैंने देख चुका था मैंने कहा भाई जगदीप भाई एक लड़का आया हो मोहम्मद अजीज का उसको ट्राई कर सकते हैं जबकि वो गाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गाना था अगर आप लोगों ने सुना हो तो टाइटल सॉन्ग का ओम मियां हूं सुरमा भोपाली मियां खां सुरमा भोपाल मैं ना रहूं भोपाल में तो शहर लगे है खाली ओम मियां हूं तो ये जो अंदाज थे अब फिर जगदीप साहब के साथ काम करना इज नॉट आप यकीन मानिएगा मुन्ना भाई आए बॉम्बे लैब में दो बार मुझसे गाना सुना जगदीप साहब के साथ में 10-15 मिनट बैठे जो उन्होंने गाना गाया वन पे मतलब लाइव होता था उस वक्त हम लोग लाइव ही करते थे वहाँ से मेरे कैरियर की लाइव शुरू फिर उसके बाद हमने काफ़ी काम किए और मैं अगर ये कहूँ तो भी मतलब बतानी होगी कि मेरे कैरियर के अंदर सक्सेस में उनकी भी दुआएं थी और उस वक्त अगर वो हमें इतना प्यार नहीं देते उसके बाद भी जब कई फिल्म में मैंने ऐसी की कि जो आप लोग सब बताते हो बजट का मामला तो मेरे पास वो बजट ही होता था मैं तो भाई ऐसा तो मुझे वो चाचा बोलते थे क्योंकि समीर का मैं चाचा लगता हूँ बोला चाचा यार तभी तो इतनी बड़े बड़े जरा जा रहा मेरा तो कम से कम याद किया कर तो आप यकीन मानिए जा रहा साहब वो हर वक्त कलाकारों का ध्यान रखते और मैं अब ज़्यादा तो क्या कहूँ कि सभी जानते हैं कि जितने अच्छे इंसान थे उतने अच्छे सिंगर और उनकी गायकी मैं मतलब हर सिंगर के अंदर एक अंदाज जैसे रफी साहब को आप याद करते हो मैं समझता हूँ कि अजीज भाई यानी मुन्ना भाई भी अपने आप में रफी साहब हैं और हम लोग जितना प्यार उनको करते थे उतना ही हमारे दिल में मुन्ना भाई के लिए इज्जत है और मैं उनके परिवार से यही कहूँगा कि बेटा आप गाती हैं मुझे बड़ा अब्बा समझ के क्योंकि उम्र में हम लोग आपस में हम उम्र थे कभी भी आप आइए आपका अपना स्टूडियो है मैं खुद आपको वादा करता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं सपोर्ट एज ए सिंगर आपको जरूर काम होगा थैंक यू